मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के हरिहरेश्वर समुद्र तट पर एक विदेशी नाव के बहकर आने की खबर है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र के रायगढ़ तट से मिले इस संदिग्ध नाव में 3 AK-47 राइफल और गोलियां थी, लेकिन इस जहाज में कोई शख्स सवार नहीं था। कुछ स्थानीय लोगों ने मुंबई से 190 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित श्रीवर्धन क्षेत्र में नाव को देखा और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। अभी तक इस घटना में कोई आतंकी एंगल नहीं मिला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि 16 मीटर लंबी नाव में 3 AK-47 और अन्य हथियार मिले हैं। यह मछुआरों द्वारा रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर बीच के पास मिली थी। रायगढ़ विधायक आदित्य तटकरे का कहना है कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच की सिफारिश की है। फडणवीस का कहना है कि यह नाव ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखती है, जिसे यूरोप के रास्ते मस्कट जाना था, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँची और इसमें हथियार कैसे ले जाए जा रहे थे, इसको लेकर जांच की जा रही। तटकरे का कहना है कि यह सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि कई बड़े त्यौहार अभी भी आने वाले हैं। खासकर महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी आने वाली है। उन्होंने कहा है कि कल से दही हंडी उत्सव भी शुरू हो रहा है। गणेश उत्सव सिर्फ 10 दिन की दूरी पर है। लोग यहां त्योहारों में शामिल होने आते हैं। इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। कुछ स्थानीय लोगों ने ये नाव समुद्र तट पर लावारिश स्थिति में देखी थी और उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को इसके बारे में सूचना दी थी। यह नाव मुंबई से 190 किलोमीटर दूर मिली है। रायगढ़ के SP अशोक दूधे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी घटना की जानकारी मिलने के बाद घटना स्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की है। पुलिस का कहना है कि यह नाव लावारिस छोड़े जाने के बाद यहां पहुंची है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नाव ओमान की है, जो वहां निजी सिक्योरिटी में इस्तेमाल होती थी। समुद्री हादसे के बाद बहते हुए यह नाव महाराष्ट्र के समुद्र में आ गई है। तलाशी के दौरान नाव से एक लाइफ बोट भी मिली है। पुलिस आगे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।